नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतना नर्सरी पे। आज मैं आपको जिनिया के फ्लावर के बारे में बताऊंगा, कैसे आप जिनिया के फ्लावर से सीड्स तैयार कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में ये फ्लावर हर जगह अवेलेबल है, इनके सीड्स मिलते हैं, मगर फिर भी अगर आपने अपने इसे घर पे लगाया हुआ है तो आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसके सीड्स निकाल सकते हैं इन फ्लावर्स से। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये पुराने फ्लावर है, इन्हें आपको कट कर लेना है, तो इसे हम कट करके निकाल लेंगे। इस कटिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि जो पुराने फ्लावर हैं इनकी कटिंग कर देने से जो नीचे से नई ब्रांचेस निकलती रहती हैं वो अच्छी तरह से ग्रो करके निकलती है, क्योंकि उन्हें पूरा न्यूट्रिएंट्स और पोषण मिलता रहता है। ठीक है, अभी देखिए मैंने इन्हें कट कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास दूसरा फ्लावर भी है, देखिए ये जिनिया का रेड कलर का, रेड और ऑरेंज कलर की मेरे पास दो वैरायटी के फ्लावर हैं। तो आपको इसको केयर कैसी करनी है, आपको क्या करना है, इसको पानी पानी लिमिटेड मात्रा में डालना है, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो पौधा मर सकता है, इसकी जड़ सड़ सकती है। आपको देखिए ये खरपतवार है, इसे हम निकाल देंगे, सफाई कर देंगे इसकी। खरपतवार आपको निकालने के बाद, फिलहाल तो मेरी मिट्टी गीली है इसलिए मैं इसकी गुड़ाई नहीं करूँगा। गुड़ाई आपको तभी करनी है जब इसकी मिट्टी पूरी सूखी हुई, अच्छे से हार्ड हो जाए, उसके बाद आपको इसकी गुड़ाई करना है। देखिए अभी इसमें नया फ्लावर आ रहा है, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो धीरे धीरे ये अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, पौधा भी ज़्यादा फैल के निकलेगा, घना हो जाएगा, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा जैसे कि कैसे आपको बीज इसके निकालने हैं बाहर। ये देखिए यहाँ पे ये जो है मैंने अभी कट किया है, ये देखिए पूरा सूखा हुआ है, सूख गया है। अब इसके अंदर बहुत सारे बीज निकलेंगे जिससे आप बाद में नए नए पेड़ तैयार कर सकते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये तो थोड़ा सा अभी कचड़ा है मगर इसमें सीड्स भी हैं, बहुत सारे इससे सीड्स निकलते हैं। ये देखिए आपको सीड्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे जो सीड्स हैं, आप इनको फिर से दोबारा ग्रो कर सकते हैं, ऐसे ही इन सब में निकलेंगे। आप इन्हें क्या करें कि इन्हें कुछ दिनों के लिए धूप में डाल दें, इनके सूखने के बाद आप इन्हें वापस सीड्स इनके निकाल के दोबारा से इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और बेहतरीन, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो ये जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं, ग्रीन ट्रीज इनकी जो ब्रांचेस हैं उन्हें जो ग्रीन ग्रीन ब्रांचेस से कट करके वापस मिट्टी पे गाड़ के दोबारा नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जिनिया के आपको केयर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे आपको हर समय धूप में रखना है, इसे बिल्कुल छायेदार जगह पे बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है तो इस पे हमेशा धूप में ही रखना है आपको। बस आपको समय समय पे इसे खाद डालना है। मैं आपको बताऊंगा इसकी गुड़ाई कैसी करनी है, अभी फ़िलहाल तो मिट्टी गीली है इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, मगर आपको क्या करना है, जैसे ही मिट्टी सूख जाती है तो इसे आपको कम से कम 1 इंच, 1 इंच देखिए जैसे यहाँ से 1 इंच साइड से गुड़ाई करना है इसके, कभी भी इसके जड़ या फिर ये कहें इसके तने के पास से इसकी गुड़ाई कभी नहीं करनी है, इसके अगल बगल साइड से दूर से गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करने के तुरंत बाद इसमें क्या करना है, आपको गोबर की खाद डालनी है जिससे पौधे को उसको पूरी तरह से पोषण मिलता है। गुड़ाई करने का दूसरा फायदा ये होता है कि जड़ें जो हैं जड़ों में एरेशन हो जाता है, नहीं तो क्या है ऐसे मिट्टी चिकनी रहेगी, देखिए आप जैसे देख रहे हैं ये मिट्टी चिकनी है एकदम, तो जड़ों में एरेशन नहीं हो पाता और वो सड़ जाती हैं, सड़ के गल जाती हैं और पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। इसलिए गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, कम से कम आप महीने में 2 बार इसकी गुड़ाई कर सकते हैं, 2 बार आप चाहें तो 3 बार भी कर सकते हैं, ये आपके उस पर डिपेंड करता है कैसे है आपका पौधा, कैसे है, किस कंडीशन में है। ठीक है, तो गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें खाद डालना है, और उस दिन जैसे आपने मान लीजिए सुबह गुड़ाई की है तो आपको उसमें शाम तक बिल्कुल पानी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आपको क्या करना है, पौधा मुरझा रहा है, जड़ें बाहर आ गई हैं, देखिए कुछ रूट्स भी कट सकती हैं, जैसे जो साइड वगैरह में एक्स्ट्रा रूट्स बाहर निकल आती हैं उनके कटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में नई रूट्स बन जाती है क्योंकि पौधे की जो मेन रूट्स हैं उसके तने के साथ नीचे की ओर हैं। ठीक है, तो आपको इसमें पानी उस दिन बिल्कुल नहीं डालना है, आप चाहें तो अगले दिन पानी डाल सकते हैं, अगर पौधा मुरझा रहा है तो उस दिन भी डाल सकते हैं, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का हल्का बस इसे नमी बना के रखिए इस पर। फिलहाल ये बिल्कुल सूख गया था क्योंकि मैं कई दिनों से बाहर था इसलिए मैंने इसे कल ही शाम को इसमें पानी डाला था। अब ये पौधा भी मेरा पुराना हो गया, गर्मियाँ अभी चालू हुई, मैंने इसे सर्दी में लगाया था, अभी ये ग्रोथ कर रहा है, नए नए फ्लावर्स आ रहे हैं, देखिए कितना सुंदर फूल है इसका, ऐसे ही बड़े बड़े इसमें फूल निकल, जैसे जैसे
गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी तो इनके फूल भी बढ़ते जाएंगे, और ये बहुत बेहतरीन फूल है। हर जगह इसकी कई कलर्स की वैरायटी है, रेड, ऑरेंज और कई कलर हैं, वाइट कलर हैं, बहुत सारे। आप इसे डहलिया के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो वो बहुत बेहतरीन लगेगा। अभी मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डहलिया को घर पे लगा सकते हैं, और डहलिया में भी कई सारी वैरायटी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगर आपने मेरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। आपका धन्यवाद इसके लिए।